अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एवं दहेज विरोधी क्षत्रिय महासंघ के तत्वाधान में सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर तीज बडली हनुमान मंदिर परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यह तय किया गया कि मिति वैशाख सुदी 3 अक्षर तृतीया दिन मंगलवार दिनांक 3 मई 2022 को राजपूत समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जाए एवं पूरे राजगढ़ जिले में हर ठिकाने तक इसकी सूचना पहुंचाई जाए। जिस प्रकार समाज में फैल रही कुरीतियां जैसे दहेज मांगना एवं विवाह में फिजूल खर्ची से हमारे गरीब राजपूतों के घर बर्बाद हो रहे हैं, उसे रोकने के लिए समाज के सभी बुद्धिजीवी सरदारों को आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपने बना एवं बाईसा का विवाह सम्मेलन में ही करना सुनिश्चित करने की अपील की गई। मंडावर से हुकम प्रजापति की खास रिपोर्ट। हमारी विवाह सम्मेलन समिति की बैठक हुई, उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो हमको पिछले वर्ष कोरोना काल की वजह से सम्मेलन को स्थगित करना पड़ा था, उसको पुनः फिर से प्रचार प्रसार करके और अधिक से अधिक लोगों को इस विषय में जागृत कर और प्रेरित करना पड़ेगा। और जो भी लोग इसमें सहयोग देना चाहें अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से जो दे सकते हैं, और जो भी जोड़े हैं वो हमारे यहाँ के जोड़े, उनसे 11,000 रुपये की राशि पंजीयन के रूप में ली जाएगी। जो बाहर के जोड़े हैं, प्रदेश के बाहर के, उनको निशुल्क पंजीयन किया जाएगा और उनकी निशुल्क शादी की जाएगी। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था रहेगी, पानी की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, सब व्यवस्था रहेगी। और सम्मेलन जो राजनीति के हिसाब से होता है हमारे समाज में, उस पूरी रीति के हिसाब से होगा। और आकृति जो बोलते हैं अक्षय तृतीया 3 मई 2022 को होना निश्चित हुआ है। स्थान तीज बडली हनुमान जी मंदिर पर होना सुनिश्चित किया गया है और समय दिन का है, दिन में ही ये सम्मेलन संपन्न होगा। और उसमें अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी मुख्य अतिथि रहेंगे। और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता महाराज नरसिंहगढ़ श्री राजवर्धन सिंह जी करेंगे। और विशेष अतिथि के रूप में हमारे खिलचीपुर महाराज आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी खींची साहब रहेंगे और आदरणीय जयवर्धन सिंह जी साहब रहेंगे, विश्व प्रताप सिंह जी साहब रहेंगे। व्यवस्था में पूरे राजगढ़ जिले के सभी राजपूत सरदार यहाँ उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय